आपके चैनल्स पर भी 5-6 व्यूज आते हैं क्या? आप भी वीडियो को अपलोड कर करके परेशान हो गए हैं लेकिन आपके जो है वो व्यूज इंक्रीज नहीं हो रहे हैं? गाइस सेम प्रॉब्लम काफी सारे यूट्यूबर्स के साथ रहती है, लेकिन 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 भाई आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप काफी अच्छे यहाँ पर व्यूज ला सकते हैं। और भाई इस नेचुरल बैकग्राउंड के लिए एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये बिल्कुल एक जेन्युइन बैकग्राउंड है। मैं अपने फॉर्म पर यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ, और अब से भाई आपको चैनल्स पर कुछ इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी काफ़ी एंटरटेनमेंट जगह के साथ, क्योंकि सेटअप पर वीडियो सभी बनाते हैं लेकिन हम कुछ अब अलग करने की सोचेंगे। तो भाई हर वीडियो में अब आपको अलग अलग कुछ देखने को मिलेगा। गाइस अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ कि भाई 5-6 व्यूज आते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको मेरा एक स्क्रीनशॉट लगाया था भाई, एक वीडियो बिल्कुल 10 नंबर पर रैंक कर रही थी, सेकंड वीडियो जो इस तरफ लगी थी स्क्रीनशॉट वो सीधा सीधा 1 नंबर पर। अब वो मैंने क्या ट्रिक लगाई भाई, मैंने वही यूज करके देखा कि इससे क्या ये जेन्युइन ये बेनिफिट होता है। अगर नहीं होता तो गाइस मैं वीडियो नहीं बनाता। जो भी हमारी वीडियो है वो एकदम से बिल्कुल प्रॉपरली वर्क वाली है। मैं खुद पहले उसको ट्राई करता हूँ, अगर वो काम करता है तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, अगर वो काम नहीं करता है तो भाई मेरे काफ़ी सारे मतलब एक एक्सपेरिमेंट टाइप का मैं पहले खुद से कर लेता हूँ। गाइस तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपको करना क्या। गाइस जैसे कि देखिए, आपको हमेशा एक तरह की वीडियो शूट नहीं करना। अब जैसे मैं अपने सेटअप पर वीडियो बनाता हूँ, आप भाई देख देख के बिल्कुल थक गए होगे। इसी कारण मैं सोचा कि चलो कोई नया टॉपिक है तो मैं ये बिल्कुल एक खुली हुई जगह है यहाँ पर वीडियो बनाऊँ। और यहाँ पर हवाएं चल रही हैं जो आप देख सकते हैं भाई, तो शायद नॉइस थोड़ी बहुत आ सकती है, बल आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो भाई इस तरह से मैंने सोचा चलो मैं अलग जगह जाऊँ। तो आपको सबसे पहले अपना कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना है, क्योंकि एक साल से मैं रेगुलरली सेटअप पर वीडियो बना रहा था। आज सिर्फ स्पेशल इसी वीडियो के लिए मैं आउटडोर शूटिंग पर आया हूं, और आउटडोर शूटिंग इसी वीडियो के स्पेशल मैं कर रहा हूं। तो गाइस आपको इस तरह का इम्प्रूवमेंट करना है, आपके जो भी बैकग्राउंड्स वगैरह हैं उनको आपको समय समय पर चेंज करना है, मतलब कुछ ना कुछ आपको बदलाव करते रहना है। और सेकेंड बात गाइस ये बता दूँ, देखिए जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक चीज़ सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी, माय फर्स्ट ब्लॉग। तो आपको ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाना है, जैसे भी की खुदाई वायरल हुई थी इस टॉपिक पर, मतलब आपका अगर उससे रिलेटेड टॉपिक है तो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ के चलना है भाई, लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक हमेशा नहीं चलते हैं। तो और गाइस वीडियो आप ऐसा बनाओ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो पर टिके रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा हमको फर्स्ट टाइम एवरेज व्यू ड्यूरेशन मिलेगा उतना हमारा वीडियो वायरल होने का चांस है। और सबसे मेन चीज़ जो है वो है थंबनेल। जी हाँ, थंबनेल आपको एकदम बिल्कुल प्रॉपरली बनाना होगा, क्योंकि थंबनेल ही एक ऐसी है जो 90% हमारी वीडियो वायरल करने में मदद करती है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए मैं वीडियो में आपको आगे बताता हूँ कैसा क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन जो कुछ बारीक बारीक चीज़ों पर आपको कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे YouTube का अगर जैसे YouTube के बारे में आपका कोई चैनल है, तो भाई सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसा कि मैं बता दूं, देखिए YouTube का कोई नया अपडेट आया भाई, माय स्मार्ट सपोर्ट, मनोज डे टेक्निकल, योगी टेक्निकल, इस तरह काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि वीडियो डालेंगे। आप वीडियो डालोगे आपकी नहीं देखेंगे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड बंदे हैं, और सैल्यूट हैं ऐसे लोगों को जो इतनी अच्छी हेल्प करते हैं भाई। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मनोज डे टेक्निकल, इसरा टेक्निकल, योगी और माय स्मार्ट सपोर्ट्स धर्मेंद्र सर को, सभी को। तो भाई उनकी वीडियो आप देखोगे, अब मैं अगर वो वीडियो डालूँ तो आप नहीं देखोगे। चलो मेरी अगर देख भी लो, कोई नया बंदा आएगा उसके आप नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि आपको उस पर कोई भी भरोसा नहीं है। आपको जैसे माय स्मार्ट सपोर्ट पर जो भरोसा है वो मुझ पर नहीं होगा, मनोज डे पर है जो मुझ पर नहीं होगा। तो इसी तरह से रहता, अगर आप उनसे पहले वीडियो डाल दो तो भाई हमारी एक मजबूरी बन जाती है, जैसे नया अपडेट आया है तो एक मजबूरी बन जाती है। अब पहले वीडियो डालने में क्या होता है, देखिए गाइस जैसे काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं, उनको मेल तो मिल जाता है नए अपडेट का, लेकिन वो इंग्लिश में होता है, वो समझ नहीं पाते, तो वो यूट्यूब पर सर्च करते हैं और फिल्टर लगा देते हैं टुडेस। जी हाँ बिल्कुल टुडेस। तो टुडेस में आपकी वीडियो आ जाएगी, क्योंकि बड़े क्रिएटर्स ने वीडियो अभी तक डाली नहीं है, तो वही आपका टाइम है। आप जितना से जल्दी वीडियो अपलोड कर दो, क्योंकि उनकी वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद आपका वीडियो पर व्यूज रुक जाएगा। लेकिन जब तक उनकी वीडियो अपलोड नहीं हो रही, जब तक आप काफ़ी अच्छा वहाँ पर व्यूज ले सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको यह वीडियो जरूर पसंद आ गई होगी, और मेरे को नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना कि भाई क्या मेरे को इस तरह की वीडियो बनाना चाहिए या फिर सेटअप ही ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। सो बस तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो से, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।